देखो बच्चों, हमको यहाँ पर YDSC के दो क्वेश्चन दे रखे हैं फिलहाल। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, और आमतौर पे तो जैसे ये दो स्लिट्स होती हैं इनकी विड्थ बराबर होती है, बट इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो स्लिट्स हैं इनकी विड्थ बराबर नहीं है, और इनका जो विड्थ का रेशियो है ये गिवन है। क्या है बच्चों ये रेशियो बताना? 4:1। और स्क्रीन पे आपको पता है डार्क और ब्राइट फिन बनेगी। ब्राइट ब्राइट मतलब मैक्सिमा और डार्क मतलब मिनिमा। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा। देखो बच्चों, हमने बताया है कि जब दो वेव सुपर पोजिशन करती है, इंटरफेरेंस करती है, कंस्ट्रक्टिवली करती है, मैक्सिमम में कंस्ट्रक्टिव होता है ना, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √i1 + √i2 का होल स्क्वायर। और जब कहीं पॉइंट पे स्क्रीन पे जैसे डार्क फिन फॉर्म हो रही है, मतलब मिनिमा फॉर्म हो रहा है, तो वहां पर ये रेज जो आ रही होंगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होंगी, और डिस्ट्रक्टिव के केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है ये। समझे बच्चे या नहीं समझे? इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब आगे की बात रही, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम और मिनिमा का रेशियो क्या होगा, मतलब इन दोनों का एक तरीके से रेशियो पूछा हुआ है। कह सकते हैं ऐसा पूछा, आई मैक्स बाय आई मिनिमम विच इज √i1 + √i2 का होल स्क्वायर √i1 - √i2 का होल स्क्वायर। तो विड्थ का रेशियो बच्चों 4:1 है, मतलब जैसे 4:1 विड्थ है इसकी। तो हमने एक चीज पढ़ रखी है कि जो विड्थ का रेशियो होता है इंटेंसिटी का रेशियो भी वही होता है, i1 / i2 भी 4:4:1 होगा। तो आपको एक को 4x मान सकते हो और एक को x मान सकते हो। जब चाहो तो आप एक को 4 मान लो, चाहे एक को 1 मान लो, ऐसे मान के कर सकते हो 4x और 1x। तो अगर आप एक को 4x मान लो और एक को x मान लो, ये 4 और 1 मान लो, क्या आ जाएगा? अच्छा बताना, ये क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। ये बच्चे क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। नहीं, ये क्या हो जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√x, और √x क्या हो जाएगा? 3√x। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9x। और ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2√x - √x क्या हो जाएगा? 1x। और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या? आ जाएगा 9:1 आ जाएगा, 9:1 आ जाएगा। तो जो रेशियो होगा मैक्सिमम बाय मिनिमम इंटेंसिटी वो होगा 9:9:1। ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो मतलब जो ब्राइट वाली फिन जो होगी उसकी इंटेंसिटी 9x होगी, और जो डार्क वाली होगी उसकी इंटेंसिटी 1x होगी। अच्छा, अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो हमें सेकंड क्वेश्चन में ये दिया है कि हमारे पास जैसे YDSC का एक्सपेरिमेंट होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, उसके अंदर क्या है बच्चों? ये दिया गया है कि मान लो कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, क्योंकि बीच वाली जो फ्रिंज होती है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। तो बोल रखा है कि मान लो इसकी इंटेंसिटी i0 है। मान लो इसकी इंटेंसिटी क्या है? i0 है। अगर इसकी इंटेंसिटी i0 है तो प्रूफ करो कि कोई एक पॉइंट है, जैसे कोई पॉइंट है यहाँ से वेव पहुँचेगी वहाँ पर, और वहाँ से भी वो वेव पहुँचेगी इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जो दो वेव मिली होंगी उनका पाथ डिफरेंस λ/3 है, वहाँ जो नेट इंटेंसिटी होगी वो i0/4 होगी। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, हम आमतौर पे जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो हमारा मेन ध्यान कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की तरफ होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होता, बीच में और भी फ्रिंजेस होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि पर्टिकुलरली डार्क और ब्राइट फ्रिंज, इंटरमीडिएट फ्रिंजेस भी होती हैं जिनकी इंटेंसिटी ना तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है ना बहुत ज़्यादा डार्क होती है। तो
हम उसकी बात करें तो आमतौर पे किसी भी एक पॉइंट के लिए जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, I1 + I2 + 2 I1 I2 cos φ, किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि दोनों की विड्थ बराबर है या नहीं है, तो हम बराबर ही मान के चलते हैं, इक्वल विड्थ मान के चलते हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया था कि दोनों सेट्स नहीं। अब आमतौर पे कोई क्वेश्चन है जिसमें अभी मेंशन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि YDSC की जो दोनों सेट्स हैं उनकी विड्थ क्या है, इक्वल विड्थ है। समझे बच्चे, नहीं समझे? तो इक्वल विड्थ था तो इसकी इंटेंसिटी आपने आई मान ली तो इसकी भी क्या मान ली, आई मान ली। और ये कह रहा है कि सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, सेंट्रल मैक्सिमा। एक्चुअली सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी निकालनी है तो इसको हमने आई नॉट मान लिया, ये क्या हो गया आई, ये हो गया आई, ये टू आई आई। सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ फॉर्म होता है वहाँ फेज डिफरेंस कितना होता है बच्चे, वहाँ मतलब फेज डिफरेंस दो वेव्स जब मिलती हैं उनका फेज डिफरेंस जीरो होता है, कॉस जीरो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। ये जब सिंप्लीफाई करोगे इसको आई आई मान लो, सॉरी क्या आ जाएगा, फोर आई। तो एक्चुअली आई नॉट जो है वो फोर आई के बराबर है। इसमें आई की आई क्या है, एक सेट से जो इंटेंसिटी आ रही है वो है आई। तो ये तो हमने बात की सेंटर मैक्सिमा की, अब हम बात करेंगे उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय थ्री है। जैसे मान लो कोई एक रैंडम पॉइंट है, यहाँ से वेव आ रही है, यहाँ से वेव आ रही है, जो वेव इस तरीके से मिल रही है कि उनका पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय थ्री है। एक्चुअली क्या है कि बट इस फॉर्मूले में हमारा पार्ट डिफरेंस नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें फेज डिफरेंस पुट करना है। क्या पुट करना है, फेज डिफरेंस, क्योंकि यहाँ फाई है। फेज डिफरेंस अगर हमें पुट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो अच्छे, पूरी कंप्लीट वेव का पाथ होता है लैम्डा और उसका पूरा फेस होता है 2π। अगर इसको 3 से डिवाइड कर दें तो इसका मतलब ये है जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 का होगा तो फेस डिफरेंस 2π बाय 3 का होगा। तो जो दो वेव यहाँ मिल रही हैं, इसकी इंटेंसिटी आई है, इसकी इंटेंसिटी आई है, तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर कौन सी इंटेंसिटी बनाएंगी, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनाएंगी, उसका ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमको उस हिसाब से पता चल जाएगा कि दोनों वेव अगर इस तरीके से मिल रही है तो नेट इंटेंसिटी कितनी बनाएगी। तो कितनी बनेगी, देखो आई डैश बोल रहे इसको, I + I + 2 II cos 2π/3 कितना होगा बोलो बच्चे, cos 2π/3 कितना होगा, बोलो यार क्या बात कर रहे हो बच्चे, 2π/3 कितना होता है, इधर देखो 120 डिग्री माइनस हाफ होगा यार, cos 120 कितना होता है, क्या बात कर रहे हो बच्चों, सिखाएं भूल गए मैथमेटिक्स, तो जो पॉइंट है जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय थ्री है वहां इंटेंसिटी आई है और सेंट्रल ब्राइट पर इंटेंसिटी कितनी है, फोर आई है। अगर इनको कंपेयर करें तो क्या होगा, इनको कंपेयर करें तो क्या होगा, आई डैश की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट बाय फोर, तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट बाय फोर। इसका मतलब क्या है ये बच्चों, ये उस पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी सेंट्रल ब्राइट के कंपैरिजन में 1/4 होगी, क्या होगी, 1/4। देखो यार एक चीज ध्यान रखना, जब हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो दो स्लिट से वेव निकलती हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, हमारा मेन ध्यान सिर्फ डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज पे रहता है आमतौर पे। इधर ध्यान से सुनो बच्चों, एक चीज अच्छे से बता रहे हैं, जैसे अगर इसकी इंटेंसिटी आई है, इसकी आई है, तो जो जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जो जो ब्राइट बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी होगी 4i, और जो जो डार्क फ्रिंज बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0, 0, 0। अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर है
तो ऐसा होता है, हम ऐसा बताते हैं, कुछ ऐसा बताते हैं। जो डार्क ब्राइट होगी उसकी 4i होगी, और जो डार्क होगी उसकी क्या होगी, जीरो। बट एक्चुअली क्या है बच्चे, ये इसमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी एक्सप्लेन की थी कि ये स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, क्या होती है ये ग्रेडियंट की फॉर्म में होता है। क्या होता है ग्रेड, हम इसको फिगर में दिखा रहे हैं, ये सही नहीं है, ये ऐसे नहीं कि मोटी काली चौड़ी पट्टी, सफ़ेद पट्टी काली पट्टी, ये लाइन होती है, पतली सी लाइन होती है जो बहुत ब्राइट होती है, उस लाइन के बगल में थोड़ी डल लाइन होती है, उसके बगल में और डल लाइन होती है, डल होते 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 हो क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है। तो फ्रिंजेस स्ट्रिप्स की फॉर्म में नहीं होती हैं, लाइन की फॉर्म में होती है, क्या होती है लाइन। ये ब्राइट फ्रिंज नहीं है, इसमें जो बीच की एक लकीर होगी पतली सी, वो ब्राइट फ्रिंज होगी, उसके बगल वाली उससे कम ब्राइट होगी, उससे कम ब्राइट होगी, क्योंकि जो एक पतली सी लकीर होगी बीच में, उस पर पर्टिकुलरली कंसेप्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, मतलब दो वेव ऐसे मिली हुई होंगी कि उनका पाथ डिफरेंस जीरो होगा और फेज डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो होगा। जैसे मान लो फेज डिफरेंस जीरो हुआ होगा, या फिर जो हमारी कंडीशंस हैं कंसेप्टिव की वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। बट ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पे कंसेक्टिव भी हो या हर पॉइंट पे क्या हो, डिस्ट्रक्टिव भी हो। दो वेव ऐसे भी मिल सकती हैं जो पर्टिकुलरली ना कंसेक्टिव हो ना डिस्ट्रक्टिव, इंटरमीडिएट हो। और क्लास में ऐसा थोड़ी है कि हर बच्चा टॉप करेगा, हर बच्चा फेल हो जाएगा, कोई बच्चा इंटरमीडिएट तो होना चाहिए ना, सेम सिचुएशन यहाँ होती है। तो इसमें क्वेश्चन में उसी पॉइंट की बात की गई है जो ना तो पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्टिव है ना ही पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव है, समझे। वो पॉइंट जो ना ही कंस्ट्रक्टिव है ना ही डिस्ट्रक्टिव है। और ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स होती हैं यार, जैसे ब्राइट फ्रिंज होगी पतली सी, उसके बगल में थोड़ी कम ब्राइट होगी, और कम ब्राइट होगी, और कम ब्राइट। तो ये जो और कम वाली है, ये क्या है, इसमें ना पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है ना पर्टिकुलर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, इंटरमीडिएट इंटरफेरेंस हो रहा है, समझे। एक्चुअली हमने इसकी स्टार्टिंग से बात की ही नहीं थी, क्योंकि हम सारे कहानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की गाते रहते हैं, कि कंस्ट्रक्टिव ये होता है, डिस्ट्रक्टिव ये होता है। दो ही लोगों का नाम होता है, एक जो बहुत अच्छे होते हैं और एक वो जो बहुत बदमाश होते हैं, इंटरमीडिएट लोगों की कहानी नहीं होती। जैसे प्रथम मान लो ये है, इसका न्यूज़ में कोई नाम ही नहीं आता है। अब ये गुंडा होता है तो उसका नाम आता है, या कोई अच्छा काम कर रहा होता तो जरूर नाम आता। समझ आया बच्चे। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि YDSC में जो स्लिट सेपरेशन है 2 mm है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन 140 सेंटीमीटर है, और वेवलेंथ हम 600 नैनोमीटर की यूज़ कर रहे हैं। तो पहले मैं पूछ रहा है कि थर्ड ब्राइट की पोजीशन क्या होगी। अगर हमको ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालना होता है तो हम n लैम्डा डी बाई डी लगा सकते हैं। जैसे कि थर्ड निकालनी है तो 3 लैम्डा, वेवलेंथ क्या हो जाएगा 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर मतलब 600 नैनो मतलब 10^-9, और कैपिटल डी क्या है, ये है, इसको मीटर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.4 मीटर। और स्मॉल डी स्लिट सेपरेशन 2 mm, इसको मीटर में लिखेंगे 10^-3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर क्वेश्चन में हमें सेकंड पार्ट में दिया गया है कि हमने वेवलेंथ को चेंज कर लिया, 480 नैनोमीटर यूज़ कर रहे हैं। अब शिफ्ट क्या आएगा पोजीशन में, अगर आप 480 नैनोमीटर यूज़ कर रहे हो तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। हाँ, 480 हो जाएगा, शिफ्ट निकालना है, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा x3-x3-, तो बाकी सब कॉमन आ जाएगा, ये सिर्फ माइनस हो जाएगा, 3 × 1.4, 1.4 × 10^-3, 120 × 10^-9, ये आ जाएगा हमारा शिफ्ट। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया है कि हमने एक YDSC में 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज़ की है, इसको हम लिख सकते हैं 600 × 10^-9 meters। और एंगुलर विड्थ जो है फ्रिंज की वो है 0.1 degree। सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स निकालना है, मतलब कुल मिला के हमको स्मॉल डी निकालना है। तो यहाँ हम फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं तो दो होता है, एक लीनियर फ्रिंज विड्थ होता है जो कि लैम्डा डी बाई डी होता है, और एक एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है जो कि लैम्डा बाई
डी होता है। तो कुल मिला के हमको ये थीटा दे रखा है। यहाँ पर हम थीटा पुट तो कर सकते हैं बट डिग्री में नहीं, इसको रेडियन में पुट करना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन, तो इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। 0.1 डिग्री, ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 1800 रेडियन, ठीक है। तो पाई बाय 1800 वेवलेंथ क्या है, 600 × 10⁻¹⁹, 18 ये आ गया, हाँ स्मॉल डी आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके स्मॉल डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 600 नैनोमीटर एंड 450 नैनोमीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न इन वाई डी एस सी। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ ड्यू टू बोथ कंसाइड्स, और द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स दे रखा है और स्लिट्स स्क्रीन सेपरेशन दे रखा है। एक्चुअली क्या है बच्चों, हमने यहाँ पर दो अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़ किया है वाई डी एस सी में, तो उससे हमें जो फ्रिंज विड्थ मिलेंगी दोनों में अलग अलग मिलेंगी। और पूछा गया है कि ये आपस में कंसाइड कहाँ करेंगी। तो जैसे मान लो हमने एक वेवलेंथ के लिए और ये दूसरी वेवलेंथ के लिए पैटर्न सा दिखा दिया आपको, जस्ट समझाने के लिए ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी थर्ड मैक्सिमा या थर्ड ब्राइट इसकी सेकंड ब्राइट के साथ क्या कर रही है, कंसाइड कर रही है। तो आमतौर पर जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो एक की nth ब्राइट और एक की n प्लस वंथ ब्राइट क्या करती है, कंसाइड करती है। बट एक्चुअली किसकी nth होगी और किसकी n प्लस वन होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, देखो जिसकी वेवलेंथ, क्योंकि फ्रिंज विड्थ ये होता है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रिंज की विड्थ भी ज़्यादा होगी। जैसे इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है इसकी कम है तो इसकी मोटी फ्रिंज बनेंगी, तो इसकी फ्रिंज की संख्या कम हो जाएंगी। देखो ध्यान रखना, एन प्लस वन उसकी होगी जिसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, और एन उसकी होगी जिसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसकी nth ब्राइट इसकी n प्लस वन ब्राइट के साथ क्या कर रही है, कंसाइड कर रही है। तो हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों जैसे है, तो क्या अगर हम बात करें पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, n लैम्डा डी बाय डी, ये फॉर्मूला होता है पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज इन वाई डी एस सी। तो इसकी nth लेनी है, n लैम्डा कितना है इसका, 600 नैनोमीटर। एक बार लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है शॉर्ट में जल्दी से। लैम्डा 1 इज 600 नैनोमीटर, लैम्डा 2 इज 450 नैनोमीटर, कैपिटल डी इज 1 मीटर, स्मॉल डी इज 4 मिलीमीटर, ठीक है ये आ जाएगा। तो एन लैम्डा डी बाय डी ये क्या है, 600 नैनोमीटर। इसका एन प्लस वन ब्राइट से कंसाइड कर रहा है, इसके लिए क्या लिखेंगे, 450 नैनोमीटर इंटू डी बाई डी। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर यहाँ नैनोमीटर की वैल्यू क्यों नहीं पुट की नैनो की, एक्चुअली क्या है कि फिलहाल में वैल्यू कट जाएगी क्योंकि इक्वेट कर रहे हैं, नहीं वैसे पुट करना होता है जब कभी हम पोजीशन निकालते हैं हमको पुट करना पड़ेगा, बट फिलहाल देखो नैनोमीटर से नैनोमीटर कट गया, डी से डी कट गया, ये सब कट गया, ये क्या आ गया 415 की टेबल में, ये क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा 4। तो अगर देखें तो ये क्या आ जाएगा, 4n इज इक्वल टू 3n प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4n इज इक्वल टू 3n प्लस 1 प्लस 3, सॉरी n इज इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे बताना, थर्ड ब्राइट किसकी, थर्ड ब्राइट ऑफ ब्राइट ऑफ 600 नैनोमीटर कंसाइड्स विथ फोर्थ ब्राइट ऑफ 450 नैनोमीटर। अब आखिरी में उन्होंने ये भी पूछा होगा कि कहाँ कंसाइड करेगी, पोजीशन निकालनी है, तो पोजीशन निकालनी है तो आइदर ये ले लो या ये, चाहे तो थर्ड ब्राइट 600 की पोजीशन निकाल लो, चाहे तो फोर्थ ब्राइट इसकी पोजीशन निकाल लो, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है तभी दोनों कंसाइड कर रही हैं, आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप बोलो किससे भी कर दूं मैं, फोर्थ से कर देता हूँ उसका या थर्ड से कर लेता हूँ, चलो
एन मतलब थर्ड, इसकी थर्ड है ना 600 नैनो, नैनो क्या हो जाएगा 10^-9, कैपिटल डी इज 1, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आंसर आ जाएगा कि कहां कंसाइड करिए। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि अगर हम जैसे YDSC एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, तो हमने सेटअप लिया, उसमें लैम्डा 1 वेवलेंथ यूज़ की, तो फ्रिंज विड्थ हमें मिली 7.2 mm। अगर क्वेश्चन में हमें दिया गया हो कि दो ब्राइट के बीच का सेपरेशन ये है या डार्क के बीच का, उसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी ऐसे। अब हमने ये वैल्यूज क्यों लिखी हुई है? क्योंकि स्टार्टिंग में बोला है कि 630 नैनोमीटर की जब लाइट यूज़ की तो 7.2 mm का फ्रिंज विड्थ मिला। ब्राइट के बीच का जो सेपरेशन होता है दो कंसेक्यूटिव, दो ब्राइट के बीच के कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे फ्रिंज विड्थ कहते हैं। बट ये कह रहा है बाद में हमने सेम सेटअप यूज़ किया, तो सेम सेटअप मतलब क्या हुआ? सेम सेटअप मतलब कैपिटल डी एंड स्मॉल डी क्या रहा? सेम रहा। और ये कह रहा है क्या वेवलेंथ यूज़ की जाए ताकि फ्रिंज विड्थ ये आए वेवलेंथ। तो एक्चुअली क्या हुआ, इसमें हमने सिर्फ वेवलेंथ चेंज की है और कुछ चेंज नहीं किया। तो बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा डी 1 डी बाई डी और बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 डी बाई डी, डिवाइड कर देते हैं इसको। तो बीटा 1 बाई बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो बीटा 1 बाई बीटा 2 तो दे ही रखा हमको भाई 7.2 mm, कन्वर्जन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कैंसिलेशन हो रहा है। लैम्डा 1 इज 630 नैनोमीटर एंड लैम्डा 2 इज अननोन। काट दो भाई, मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया। 7.2 ये 9 के टेबल में आ जाता है, 8/9 हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ। लैम्डा 2 इज इक्वल टू 630, ये आ जाएगा। अच्छी कोई डाउट? छोटा सा क्वेश्चन है।